Hey guys, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Kashmira and I'm here with a brand new episode of Bottle Art. And in today's video, we are going to make something from this bottle. Last Friday ko maine isi bottle ka video upload kiya tha, jisme maine usko pura color diya tha. Wo agar aapne nahi dekha hai to uska link description box mein plus I button mein de dungi. तो इस डिज़ाइन में ये जो ब्लू कलर है बॉटल का, जो ओरिजिनल कलर है, वो मैं वैसा ही रखने वाली हूँ और उसी पे हम कुछ ऐसी डिज़ाइन बनाएंगे जिससे वो जो ब्लू कलर है वो इंटैक्ट रहेगा। तो उस पे ये वाला मार्कर मैं यूज़ करने वाली हूँ। ऐसा ही सेम मार्कर गोल्डन कलर का मैंने मेरे एक वीडियो में यूज़ किया है, बट उसमें मैंने पहले ब्लैक कलर दिया था बॉटल को और ब्लैक एक्रेलिक कलर पे मैंने वो मार्कर यूज़ किया था। इस वीडियो में हम डायरेक्टली बॉटल पे वो मार्कर यूज़ करेंगे और देखेंगे कि वो कैसा इफ़ेक्ट देता है। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। अगर आपको देखना है कि एक्रेलिक कलर पे मैंने कैसे यूज़ किया था वो मार्कर, तो आप वो चेक कर लेना। तो ये जो सिल्वर कलर का मार्कर है वो ब्लू कलर पे बहुत अच्छा दिख रहा है। पहले मैंने सोचा था कि मैं वाइट कलर यूज़ करूँगी, बट ब्लू कलर पे वाइट कलर मैंने बहुत बार यूज़ किया हुआ है, तो आई थॉट कि लेट्स गो फॉर सिल्वर। आप इस सिल्वर की जगह पे गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम श्योर गोल्डन भी ब्लू पे बहुत अच्छा दिखेगा। मैंने कुछ ही दिनों पहले ये दोनों मार्कर खरीदे थे, एक गोल्डन और एक सिल्वर, और जो गोल्डन कलर का जो फाइनल रिजल्ट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे ये सिल्वर वाला भी ट्राई करना था। और सिल्वर ब्लू पे और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है, राइट? तो इसलिए मैंने ये वाला मार्कर चूज़ किया। और ऐसे डिज़ाइन आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, जैसे हम पेन से किसी पेपर पे ड्रॉ करते हैं, वैसे ही हम मार्कर से किसी भी बॉटल पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो हार्ड पार्ट था जो हम ब्रश से कलर से करते थे और हमारा गलत हो जाता था या फिर इतना परफेक्शन नहीं आता था उस चीज़ में, या फिर हम कंफर्टेबल नहीं थे, बिकॉज बहुत लोग ब्रश और कलर से कंफर्टेबल नहीं है, जितना लोग पेन से कंफर्टेबल है उतना ब्रश से नहीं है। तो इस मार्कर से तो वो जो हार्ड पार्ट था वो पूरा का पूरा निकल गया है। आप इजीली उस पर ड्रॉ कर सकते हो कोई भी डिज़ाइन। जैसे मैंने एक सिंपल डिज़ाइन चूज़ की है, तो ऐसे फ्लावर्स हम पूरे बॉटल पर बनाएंगे। आप किसी भी टाइप के फ्लावर्स चूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये मार्कर ख़रीदना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लो। एंड गाइस, वन मोर थिंग, कल मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ 50K स्पेशल। उसमें मैं आपको सब एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो गिव अवे रहने वाला है वो किस तरह का गिव अवे है, क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, सब उसमें डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो वीडियो मैं 1 बजे से पहले अपलोड कर दूँगी। स्टे ट्यून एंड चेक कर लो कि आपने बेल आइकन प्रेस किया है या नहीं, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, अभी कर दो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो इस तरह से काफ़ी टाइम के बाद ये डिज़ाइन इस बॉटल पे हो चुकी है। वो मार्कर जो होता है वो इंस्टेंटली ड्राई हो जाता है, तो आपको वेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसके बाद ये जो स्टोन्स है वो स्टोन्स हम पूरे बॉटल पे लगाएंगे, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिलिकॉन ग्लू। अगर आपके पास ये वाला ग्लू नहीं है तो आप फेविबॉन्ड यूज़ कर सकते हो या फिर आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हो, बट सिलिकॉन ग्लू इज़ वेरी गुड फॉर ग्लास सरफेस एंड ऑल, यू नो। तो ऐसे हम बीच बीच में एक एक स्टिक कर देंगे। और मैंने बॉटल के ऊपर की साइड में ऐसे 2 लाइंस लगा दिए स्टोन्स के, तो अब ये हमारा जो पूरा ओवरऑल लुक था वो कंप्लीट हो चुका है और ये फाइनल कुछ इस तरह से दिख रही है बॉटल। आपको उसका क्लोजर लुक देती हूँ मैं।
मार्कर की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, एक्रेलिक कलर पे भी बहुत अच्छी है और डायरेक्टली ग्लास सरफेस पे भी उसकी फिनिशिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू वोंट मिस एनी अपडेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।